पिछले कुछ दशकों में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफी काम किया है। अंतरिक्ष में अपना परचम लहराने के बाद भारत के वैज्ञानिक अब समुद्र में छिपे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। इस काम के लिए समुद्र यान बनाया गया है। इस समुद्र यान का नाम मत्स्या 6000 है। इस समुद्र यान को गहरे पानी में उतारा जाएगा। इस यान में वैज्ञानिकों की एक टीम भी होगी जो समुद्र के अंदर अध्ययन करेगी। समुद्रयान मिशन में इस्तेमाल होने वाली पनडुब्बी मत्स्या 6000 में 3 रिसर्चर्स को समुद्र के भीतर 6000 मीटर की गहराई तक ले जाएगी, जिसमें गहरे समुद्र की खोज के लिए वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के साथ जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि पनडुब्बी मत्स्या 6000 कैसा होगा, तो बता दें इसरो IITM और DRDO की मदद से इसे बनाया गया है। ये एक मानव युक्त सबमरीन है जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को समुद्र में रिसर्च करने में मदद करेगा। मत्स्या 6000 पर पिछले सालों से काम हो रहा है। इसको बनाने में 4077 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। डीप ओशन मिशन भारत सरकार की नीली इकोनॉमी का पहला समर्थन करने वाला प्रोजेक्ट होगा। समुद्रयान प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बाद भारत अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों के साथ इलीट क्लब में शामिल हो चुका है। इन देशों के पास ऐसी गतिविधियों के लिए विशिष्ट तकनीक और वाहन उपलब्ध हैं। समुद्रयान का उद्देश्य गहरे समुद्र में खोज और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी के जरिए इंसानों को भेजना है। भारत की समुद्री स्थिति अद्वितीय है क्योंकि देश में इसकी 7517 किलोमीटर लंबी तट रेखा है जो 9 तटीय राज्यों और 1382 द्वीपों पर स्थित है। ऐसे में समुद्रयान मिशन की सफलता और इससे जुड़ी उपलब्धियां देश के लिए बेहद अहम साबित होगी।